तो आज का जो पहला चैलेंज है वो है खाने को अच्छे से चबा कर खाएं, खाने को जल्दबाजी में ना खाएं। आप में से कितने सारे लोग हैं जो काम पे जाने की हड़बड़ी में खाने को जल्दी चबा कर खाते हैं और 15 मिनट के अंदर अपनी मील फिनिश कर देते हैं? यह एक बुरी आदत है जो आपको आज से छोड़नी है। खाने को कम से कम 32 बार चबाना है कि जैसे ही हम खाते हैं तो जो खाने की अनुभूति है, जो सटाइटी है, वो ब्रेन में रजिस्टर तब होती है जब पूरे 20 मिनट हो जाते हैं। और अगर हम 10 मिनट में खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी, तो ब्रेन में ये रजिस्टर ही नहीं होता कि हमें तृप्ति मिली है, हमें खाना मिला है, तो हम और ज्यादा खा जाते हैं, तो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो इसलिए अपने खाने को 32 बार चबाएं। खाने को ज्यादा चबाने से जो दूसरा फायदा है वो ये है कि मुंह में ज्यादा समय तक चबाने से खाने के टुकड़े टुकड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिससे वो इंटेस्टाइन में और स्टमक में जाते हैं, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में ईज हो जाता है। सेकेंड, जैसे ही आप मुंह में खाने को बहुत ज्यादा समय तक चबाते हैं तो सलाइवा सीक्रेट होता है, जिसमें टालिन नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च का डाइजेशन मुंह में ही कुछ हद तक पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज से लेके खाने को जल्दी जल्दी नहीं खाना है, धीरे धीरे चबा के खाना है और कम से कम 32 बार खाने को चबाना है। जो दूसरा चैलेंज है वो है दिन भर में 2 कटोरी दाल। जी हाँ, दाल या फलियां न सिर्फ प्रोटीन का अच्छा सोर्स है बल्कि इनमें अच्छे मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर भी होता है अगर आप छिलके वाली दालें और फलियां लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आप ब्रेकफास्ट में या तो मूंग और चना लेकर फलियों को बढ़ाएं, 1 सर्विंग फलियों की हो जाएगी, और लंच या डिनर में 1 कटोरी दाल ले। ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, तो आज के दोनों चैलेंजेस चैलेंजेस नहीं है, बहुत अच्छा रूटीन है जिसे आप अगले 26-27 दिन तक नहीं बल्कि पूरे जिंदगी भर ले सकते हैं। और ये चैलेंजेस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।